नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आप सभी सहारा इंडिया निवेशकों एवं जमाकर्ताओं व कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नई वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन विद पीके पर मैं हूं पिंकू कुमार प्रजापति और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन विद पीके। हमारे जितने भी सहारा के जमाकर्ता हैं और कार्यकर्ता हैं, सभी को मालूम है आज 6 जून की डेट हो चुकी है। 6 जून की डेट हो चुकी है, अभी तक सरकार कोई कंफर्म नहीं हो पाई है। जो भी 4 जून को मतगणना की गिनती हुई, अभी तक कोई क्लियर नहीं हो पाया है कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि किसी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। तो हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इतने दिनों से तो हम लोगों का पैसा सहारा इंडिया में जो फंसा हुआ था वो तो मिल नहीं पाया है। क्यों नहीं मिल पाया, इसके पीछे की कहानी आप लोग पूरी ही जानते ही हैं। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो सभी निवेशक बंधु जानते हैं कि पैसा हम लोगों का नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, इसकी पूरी जानकारी आप लोगों के पास है। अब सभी को इंतज़ार है कि सरकार बदलेगी या नहीं। अगर विपक्ष दल की सरकार बनती है तो सभी निवेशकों का भुगतान होने पर उनकी नज़रें टिकी हुई हैं। अब देखिए क्या होने वाला है। और इस बार जो निवेशकों ने मन बनाया था 12 से 13 करोड़ सहारा इंडिया कंपनी के निवेशक बंधु जो सहारा से पीड़ित थे, उन्होंने बहुत बड़ा झटका दिया है। बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम लोगों का भुगतान जिस सरकार ने नहीं करा पाया तो क्या हम उसको नहीं झटका दे सकते? एकदम दे सकते हैं भाई, हम लोगों का भुगतान नहीं हो पाया। और अब बात की जाए हम लोगों का भुगतान आखिर कैसे मिलेगा, किस प्रकार मिलेगा, इसको लेकर के हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो बहुत ही छोटा रहने वाला है। चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर ज़रूर सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुँच सके। तो सहारा बंधु, हम आपका कीमती समय न वेस्ट करते हुए सीधे अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सभी को मालूम है 4 जून को अभी मतगणना हुई है, उसके बाद में अभी सहारा इंडिया मामले के बारे में कोई क्लियर जानकारी अभी नहीं आ रही है क्योंकि सब मामला फिर से नया होगा, उसके बाद में ही सब चर्चाएं होंगी। तो बात की जाए भुगतान की, तो भुगतान तो हम लोगों का होगा ही, 100% होगा। जैसा कि कल हमने आप सभी को एक वीडियो दिखाया था, हम लोगों को एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा मैं आप सभी को बता दूं अभी। देखिए दोस्तों, जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, तब तक हम लोगों का पैसा मिलना बहुत ही नामुमकिन है। ये सभी निवेशक बंधु बात जानते हैं। हमने कल वीडियो दिखाया था, जिन लोगों ने नहीं देखा है उस वीडियो में जाकर के देखिए। एक वीडियो क्लिप जो लगा हुआ है काफ़ी मोटिवेशनल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप में से जिन निवेशकों का पैसा फंसा है उस वीडियो को देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ऑलरेडी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, हम लोगों को जागरूक किस बात पर होना है? जागरूक इसलिए होना है, बिना जागरूक हुए हम लोगों का पैसा नहीं मिल पाएगा। जब तक संगठित नहीं होंगे, इतने हम लोगों ने धरना प्रदर्शन आंदोलन किए लेकिन कुछ भी उसका परिणाम जीरो निकला। सरकारें कोई भी हों, हम लोगों का भुगतान दिलाने से पीछे हट रही हैं। हालांकि अभी तो एक ही सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, वो भी भुगतान नहीं करा पाई। अब देखते हैं किसकी सरकार बनती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना पड़ेगा। भुगतान होता है या नहीं ये तो उनकी बात रहती है। तो जैसी जानकारी मिलेगी हम वीडियो में आप सभी को बताएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए वीडियो में, तब तक के लिए
आप सभी को जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, जय जवान, जय किसान।